हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। और आज है मेरा लेह में सेकंड डे और मैं उठ गया हूँ। सुबह 6 बजे मैं उठ गया था, बाकी 2 घंटे लगते हैं रेडी होने में क्योंकि सामान इतना था और रात को थक गया था वो, तो जल्दी सो गया था। तो यह है हमारा रूम और पैकिंग हमने कर ली है, सामान नीचे भिजवा दिया है, जूस वूस पी लिया हमने। अब व्यू देख लीजिए आप होटल का। तो अभी हम निकल रहे हैं पेंगोंग लेक के लिए और हम पहुंचेंगे वहां पे 5 घंटे 6 घंटे बता रहा है वैसे वहां पे जाने के लिए, बाकी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा हिल स्टेशन है। तो देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं जर्नी को। गाइस, थोड़ी देर चलने के बाद में बीच में हमने गाड़ी वगैरह का शूट किया, उसके बाद में चांगला से 20 किलोमीटर पहले एक ट्रेसडी हो गए वापस से। दिखाता हूँ देखो क्या ट्रेसडी हुई है, क्योंकि हमारे साथ लद्दाख के टूर में ट्रेसडी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामने जेसीबी दिख रही है आपको? ऐसे नहीं दिखेगी, अभी हम दिखाते हैं। देखा गाइस, तो लैंडस्लाइड हो गई है, रास्ता क्लियर करने के लिए जेसीबी लगी हुई है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बाकी अभी 9:54 हो चुके हैं। आपको मेरी इस स्क्रीन में दिखता नहीं होगा, है ना? इसका ब्राइटनेस तेज करूँगा मैं। बाकी पहुंचना कितने बजे है कोई मालूम नहीं है, इसलिए टाइम निकाल के आए। बीच में एंट्री हुई है और एंट्री के बाद में आपके पास में, मतलब आप जो परमिट लेते हैं उसकी अलग से कॉपी लेके आए 4-5, क्योंकि जहाँ भी आपका परमिट लेके जाएंगे ना, वहाँ आपकी एक कॉपी जमा हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। गाइज, हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक के पास में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, बाकी इतना रस नहीं है इधर। भाई वीडियो को एंजॉय कीजिए। रास्ते बहुत बेकार रास्ते, आपसे एक गुजारिश है, कभी भी आओ तो एक सी भी गाड़ी लेके आना, छोटी गाड़ी लाओगे चैम्बर वैम्बर फूट गया तो यहाँ ना कॉल मिलेगा, ना नंबर है, ना कोई सेवा है, जाओ वहीं रह जाओगे।
आगे रोड देखिए कितने खतरनाक रोड है। ये 6 लाइन हाईवे 4 लाइन है, 8 लाइन हाईवे। यहाँ पे ड्राइविंग ऑफ रोडिंग करने का अलग ही मजा है। जैसे लद्दाख का टूर में जिसने ऑफ रोडिंग किया ना, वो बहुत ऑफ रोडिंग कर सकता है। कैसे नहीं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं पेंगोंग लेक, और मैं आपको दिखाता हूँ पेंगोंग लेक के बारे में क्या है क्या नहीं, ताकि आपको तो मालूम होगा ही कि 3 इडियट की शूटिंग वगैरह कहाँ हुई थी। देखिए कितना साफ पानी है यहाँ पे। क्या अमेजिंग है, बाकी नज़ारा पैसा वसूल। बाकी आपको वहाँ दिख रहा होगा शिप्स चल रही है आर्मी की। बाकी यहाँ से किसी ने बोला भी, हमें को सजेशन दिया है कि यहाँ से नुब्रा वैली निकल जाओ डायरेक्ट। नुब्रा वैली के लिए आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से नुब्रा वैली निकल जाऊँ, बट कंफर्म नहीं कह सकता। मैं ले भी जा सकता हूँ वापस, रास्ता पूछूँगा किसी से, यदि कोई जा रहा होगा तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ। बाकी चलो मैं आपको पेंगोंग लेक का नज़ारा दिखाता हूँ। Thank you.
और आइए मैं आपको एक बार और व्यू दिखा देता हूँ। बाकी स्कूटर पे फोटो खिंचवाना है तो आइए मैं बताता हूँ कैसे खिंचवाएंगे और क्या चार्जेस हैं। चार्जेस तो बता दिए ना मैंने आपको, 50 रुपीज़ है। बाकी आटा वाटा पीसना हो तो आटा लेके आए, चक्की की ज़रूरत नहीं है, चक्की ऑलरेडी प्रभावित कर दी गई है। अरे क्या इसमें फ्रेश जूस बन रहा है। पेंगुंग लेक रुकने के बाद में अब हम सोच रहे हैं कि हम नुब्रा वैली की तरफ निकल जाएं या लेक की तरफ निकल जाएं। बाकी यहाँ से निकलते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ रुकने का, और ठंड भी बढ़ रही है क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। बाकी चलते हैं यहाँ से और सीन तो आपको बता ही देंगे। बाकी निकल तो गाइस नुब्रा वैली से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं अभी हम। बाकी 40 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। बाकी रास्ता बड़ा भयानक है यार, हर जगह पूरा मतलब रिवर ही रिवर पे चलना है आपको। बाकी एक जगह रिवर क्रॉसिंग बहुत भयानक है। बाकी देखिए रोड कैसे हैं, फुल मज़ा आ रहा है वैसे ऑफ रोडिंग करने का। आइए ट्राई कीजिए जिंदगी के कुछ अहम पल। और ये गोप्रो गिरता हुआ, और इस पर क्या लगाए, ये लगा दिया। फिर से सीन देखना चालू करिए। अरे सीन, अरे बबलू, बजे और मैंने ले लिया कैंप क्योंकि होटल्स वगैरह में बहुत रहते रहते परेशान हो गया, तो मैं नुब्रा वैली पहुंच गया था मैं 8 बजे, बट ब्लॉग शूट नहीं कर पाया तो कैंप ले लिया मैंने। कैंप ले के मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूं। यहां पे ये तो हमारा फूड आ चुका है। बाकी ये कैंप है हमारा, ये कैंप के बाहर का व्यूज़ है। बाकी नाइट हो रहा है तो थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा। बाकी यहाँ बफे वफे लग रहा है तो आप बफे में एंजॉय कर सकते हैं, कभी भी आओ तो। बाकी बाहर बैठ के एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा रूम है। तो मैंने आज कैंप में रुका हूँ, ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम दिखा देता हूँ। बाकी शानदार कुछ भी हो तो सो रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है, रास्ते बहुत ख़राब थे और बता नहीं सकता, पैरों की हालत शरीर से ज़्यादा ख़राब है। चलते हैं अभी तो सोते हैं, गुड नाइट। बाकी कल नुब्रा वैली एक्सप्लोर करेंगे तो आप ब्लॉग देखना नहीं भूलें।